कि विद्युत वितरण लाइन के प्रकार। नमस्कार दोस्तों, देखो आज करते हैं ट्रांसमिशन लाइन के प्रकार। ट्रांसमिशन लाइन के प्रकार, ये जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसको लंबाई के आधार पर, इसको ट्रांसमिशन लाइन को लंबाई के आधार पर तीन भागों में बांटा गया। कितने भागों में? तीन भागों में। कि एक तो लो ट्रांसमिशन लाइन, एक मीडियम ट्रांसमिशन लाइन होगी और कोई लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होगी। सबसे पहले पढ़ता हूं लो ट्रांसमिशन लाइन। लो ट्रांसमिशन लाइन, दूसरे प्रकार की ट्रांसमिशन लाइन है वह मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, और तीसरे प्रकार की जो लाइन है वो है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, दोस्तों इनको लंबाई के आधार पर ट्रांसमिशन लाइन को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, जो लंबी दूरी के लिए होती है। दूसरा है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, जो मध्यम दूरी के लिए है। और तीसरा आता लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। देखो सबसे पहले पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होती है वो लगभग 80 किलोमीटर तक होती है। लगभग 80 किलोमीटर जो लाइन या जो ट्रांसमिशन लाइन 80 किलोमीटर तक चलेगी, उत्पादन केंद्र से 80 किलोमीटर तक चलेगी, वो थी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। और जो लाइन 80 किलोमीटर से लेके 250 किलोमीटर के मध्यम चलती है वो लाइन होती है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। कौन सी थी दोस्तों? मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। और जो लाइन 250 किलोमीटर से अधिक, 250 किलोमीटर से प्लस, तो 250 किलोमीटर से अधिक लाइन होती है उस लाइन को बोलते हैं लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। पहला पॉइंट हो गया 80 किलोमीटर, दूसरा 80 से 250 किलोमीटर, और तीसरा 250 किलोमीटर से अधिक। मैं दूसरे पॉइंट की बात करता हूं एग्जाम की दृष्टि से, तो दूसरा आता है वोल्टेज का। यहां पर क्या क्या पहला पॉइंट हो? लेंथ का है, लंबाई का। दूसरा आता है वोल्टेज का। दूसरा कौन सा है? वोल्टेज का। जिस लाइन के अंतर्गत 20 किलो वोल्टेज है, जिस लाइन वोल्टेज जो लाइन होती है वो लाइन होती है लोड ट्रांसमिशन लाइन। कौन सी होती है? लोड ट्रांसमिशन लाइन। जिस लाइन के अंतर्गत 20 किलो वोल्ट से लेके 100 किलो वोल्ट का पार्श्व होता है, 100 किलो वोल्टेज का होता है पार्श्व होता है, वो होती है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। और जिस लाइन के अंतर्गत 100 किलो वोल्ट से अधिक वोल्टेज का ट्रांसमिशन होता है वो कौन सी होती है? लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है दोस्तों, पहला लेंथ की बात की, लंबाई, दूसरी की मैंने वोल्टेज की बात। तो वोल्टेज से मतलब याद रखना है कि जिस लाइन के अंतर्गत आपके पास 20 किलो वोल्टेज था, 20000 वोल्टेज है, 20000 वोल्टेज है वो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन थी। जिस लाइन के अंतर्गत 20 किलो वोल्ट से 100 किलो वोल्ट के मध्य की ट्रांसमिशन लाइन है वो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन होगी। और जिस ट्रांसमिशन लाइन के अंतर्गत 100 किलो वोल्ट का वोल्टेज है तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होगी। तीसरी में बात करता हूं प्रभाव की, क्या बोलते हैं कि जो जबकि जो लोड ट्रांसमिशन लाइन है उस लाइन के अंतर्गत धारिता
स्टैटिक रो आर कैपेसिटिव प्रभाव का जो मान होगा वो कितना होगा, नगण्य होगा या नहीं के बराबर है, जीरो होगा। मीडियम दो क्लास में है, इसके अंतर्गत इंडक्टिव रेजिस्टिव और कैपेसिटिव तीनों प्रकार के प्रभाव होते जो लाइन है, मीडियम ट्रांजिशन लाइन हो चाहे लॉन्ग ट्रांजिशन लाइन हो। ये दोस्तों आगे एक संबंध होता है कि इनमें आता है वोल्टेज का और फ्रीक्वेंसी का संबंध, वोल्टेज का और फ्रीक्वेंसी का संबंध। देखो होता क्या है, यदि भारत की बात करूं तो यहां पर जो मानक फ्रीक्वेंसी है स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी है उसका मान कितना है पता कितना है उत्तर। अब यहां पर कई बार क्या होता है कि वो फ्रीक्वेंसी का मान परिवर्तन करके मान लो जो प्रत्येक फ्रीक्वेंसी है 400 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी का कितना है 400 हर्ट्ज ठीक दोस्तों, और वोल्टेज का मान आपके पास 11 किलो वोल्ट है, कितना वोल्टेज है 11 किलो वोल्ट है। अब देखो मैं इस लाइन पर देखा जाए मैं फ्रीक्वेंसी का आधार पर देख किसके आधार पर देखूं वोल्टेज का आधार, तो वोल्टेज का आधार कौन सा लाइन है लोड ट्रांजिशन लाइन, क्योंकि यहां पर जो वोल्टेज की रेंज बता रखी है मैंने कितनी बता रखी है 20 किलो वोल्ट है, कितनी बता रखी है 20 किलो वोल्ट है, यहां पर 20 से 100 किलो वोल्ट और 100 किलो वोल्ट से अधिक। लेकिन ये कब मानते हैं जब तो मानक फ्रीक्वेंसी है उस मानक फ्रीक्वेंसी का कितना था 50 हर्ट्ज, कितना था 50 हर्ट्ज, लेकिन यहां पर क्या दिया है कि मानक फ्रीक्वेंसी को क्या अन्य फ्रीक्वेंसी का मान दिया है तो कितने दिया 400 हर्ट्ज, कितना दिया 400 हर्ट्ज। उसने किससे पूछा कि फ्रीक्वेंसी का मान 400 हर्ट्ज है और वोल्टेज का मान 11 किलो वोल्ट है तो कौन सी ट्रांसमिशन लाइन है, पहला उत्तर ट्रांसमिशन है लो ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, लो ट्रांसमिशन लाइन। तो अब इसके अंतर्गत यदि इन दोनों का गुणनफल अर्थात वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का गुणनफल यदि इनका मान 10000 आता है, दोनों का गुणनफल कितना आता है 10000 आता है तो वो होती है लो ट्रांसमिशन लाइन, और जिसके अंतर्गत वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का गुणा 10000 से लेकर 20000 के मध्य आता है, 10000 से लेकर 20000 के मध्य आता है तो वो कौन सी होती है मीडियम ट्रांजिशन लाइन, और जब वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का गुणा वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का गुणनफल 20000 वोल्ट से क्या है अधिक है, 20000 से क्या है अधिक है तो कौन सी होती है लॉन्ग ट्रांजिशन लाइन, कौन सी होती है लॉन्ग ट्रांजिशन लाइन। फिर दोस्तों तो ये चार कारक है, इन चार कारक के चार पैरामीटर के आधार पर ट्रांसमिशन लाइन को तीन भागों में बांटा गया है, पहला होता है लोड ट्रांसमिशन लाइन, दूसरी मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और तीसरी कौन सी होगी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है पहले बात करते हैं लेंथ की, तो लेंथ के अंतर्गत जो लाइन 80 किलोमीटर तक बिछाई गई है वो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है, जो लाइन 80 से 150 किलोमीटर के मध्य बिछाई गई है वो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है, और जो लाइन 150 किलोमीटर से अधिक बिछाई गई है वो कौन सी है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है। वोल्टेज की बात करूं जिस लाइन के अंतर्गत या जिस ट्रांसमिशन लाइन के अंतर्गत 20 किलो वोल्टेज की सप्लाई है, कितने वोल्टेज 20000 वोल्टेज है 20 किलो वोल्ट है वो लॉन्ग ट्रांसमिशन है, जिसके अंतर्गत 20 से अधिक 100 किलो वोल्ट है वो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है, और जिसके अंतर्गत 100 किलो वोल्ट से अधिक है वो कौन सी है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है इफेक्ट की बात करते हैं प्रभाव की बात करते हैं, तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के अंतर्गत दो प्रकार के प्रभाव आ जाते हैं, एक तो पाया जाता है इंडक्टिव प्रकार का, एक पाया जाता है रेजिस्टिव प्रकार का, एक आर पाया जाता है और एक ए। जबकि धारित प्रभाव होता है कैपेसिटिव इफेक्ट का उत्पन्न होता है बहुत कम है न के बराबर है 0 है, मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के अंतर्गत तीनों प्रकार के प्रभाव पाए जाते हैं, चाहे इंडक्टिव की बात करो चाहे कैपेसिटिव बात करो चाहे रेजिस्टिव बात करो। ठीक दोस्तों मैं बात करता हूं वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का आधार, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का आधार यदि इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों का क्या गुणनफल किनके का फ्रीक्वेंसी का और वोल्टेज का गुणनफल जिस 10000 आता है 10000 वोल्ट फ्रीक्वेंसी आता है तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होगी, जिसके अंदर 10000 से लेकर 20000 के मध्य आता है वो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन होगी, और जिसके अंतर्गत 20000 वोल्ट से अधिक 20000 वोल्ट फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज से अधिक आता है तो वो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होगी। यदि मानक फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज मानी जाए तो फिर वोल्टेज के संबंध में पूछा जाए, फिर वोल्टेज संबंध में जाए तो आपको ये लेना है लाइन के संबंध में ये प्रभाव संबंध ये और वोल्टेज के संबंध में ये लेना लेना ये भी उस ट्रांसमिशन लाइन के प्रकार। ठीक है दोस्तों देखा जाए तो एक देखना चाहिए विद्युत वितरण लाइन के बिछ
दिखाने के प्रकार पहला होता है भूमिगत ट्रांसमिशन लाइन या बोलते हो अंडरग्राउंड या बोलते हो भूमिगत ट्रांसमिशन लाइन एक कौन से गई जीरो पर लाइन जीरो पर लाइन ठीक है दोस्तों कितने प्रकार की दो प्रकार में कि एक ट्रांसमिशन लाइन होगी जो भूमि के अंदर से बिछेगी और एक ट्रांसमिशन लाइन होगी जो वातावरण के अंदर या अपने सिर के ऊपर से होगी बिछेगी इन दोनों में थोड़ा सा मैं करता हूं तो सबसे पहले पॉइंट की बात करता हूं तो भूमिगत ट्रांसमिशन लाइन वहां पर बिछे जाती है जहां पर भीड़ भाड़ भी अधिक होता है जहां पर जो क्षेत्र होता है जो एरिया होता है वो क्या होता है भीड़ भाड़ का ठीक है तो शहरों के भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में वाले क्षेत्रों में लगाई जाती है कौन सी जहां पर बिल्कुल या लोग बाग ज्यादा रहते हैं जहां भीड़ रहती है वहां पर कौन सा रहते हैं भूमिगत लाइन भेजती है और सिरों को लाइन खुले वातावरण में इस प्रकार की लाइन बिछाई जाती है दूसरी चीज की बात करता हूं कि जो भूमिगत लाइन होती है वो मानो किसी नहीं ठीक है इसीलिए जो भूमिगत लाइन होती है वो शहर की सुंदरता में वृद्धि करती है शहर की सुंदरता में वृद्धि करती है जबकि ये करती है कमी करती है ठीक है आगे बात करता हूं कि एक तो की भूमिगत ट्रांसमिशन है तो अगर घूमने के ट्रांसमिशन लाइन होती है ठीक है इसको लगाने में ज्यादा कॉस्टली पड़ती है इसकी लागत क्या आती है लागत क्या आती है ज्यादा और इसकी लागत क्या आती है क्यों क्योंकि घूमने के ट्रांसमिशन लाइन चाहते हो तो तारों के ऊपर आपको इंसुलेशन चलाना पड़ेगा तारों के ऊपर चलाना पड़ेगा आपको इंसुलेशन चलाना पड़ेगा जबकि सिरों पर लाइन होती है नंगी तार होते वहां पर किसी प्रकार का इंसुलेशन नहीं होता आगे मैं बात करता हूं तो भूमिगत ट्रांसमिशन लाइन वातावरणीय प्रभाव से वातावरणीय प्रभाव से मुक्त रहती है कि भूमिगत ट्रांसमिशन लाइन के अंतर्गत वातावरणीय प्रभाव मतलब अंधेरा आंधी मौसम वगैरह का कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है जबकि जो सुपर लाइन है वो वातावरणीय वातावरण से प्राप्त होती है वातावरण से प्रभावित होती है ठीक है ठीक दोस्तों वातावरण प्रभाव से मुक्त कौन सी लाइन थी ट्रांसमिशन लाइन और वातावरण प्रभाव कौन सी थी सिर्फ लाइन अगला मैं पॉइंट की बात करता हूं तो जो फॉल्ट होने की संभावना है वो सबसे कम किसमें होती है भूमिगत लाइन में किसमें होती है भूमिगत दो सबसे कम दो सबसे या दोस्तों इसमें इसमें भूमिगत ट्रांसमिशन लाइन इसमें दोष कम पैदा होते हैं दोष होते हैं कम पैदा होते हैं पॉइंट पर एक होते हैं कम होते हैं जबकि इसमें दोष क्या होते हैं ज्यादा होते हैं दोष क्या होते हैं ज्यादा क्यों क्योंकि सिरों पर लाइन है यहाँ पर यदि आंधी वगैरह तूफान वगैरह चलता है तो जो तार गिरते हैं तार गिरते हैं वो तार आपस में क्या होते हैं शॉर्ट हो सकते हैं इसलिए अगर पॉइंट क्या होता है ज्यादा होता है यहाँ पर क्या होता है पॉइंट होता है कम होता है किसमें भूमिगत ट्रांसमिशन लाइन यदि मैं आगे और बात करता हूँ ठीक है यहाँ तुम अगला पॉइंट यहाँ कि यदि भूमिगत ट्रांसमिशन लाइन में पॉइंट होता है तो उस पॉइंट को ढूंढना मुश्किल होता है उस पॉइंट क्या होता है ढूंढना मुश्किल होता है जबकि जो सिरों पर लाइन है वो मानो दिखती है ऐसे तो उसमें जो फोल्ड हो गया उसको ढूंढना क्या होता है आसान होता है तो लिख दो इसमें कि इसमें दोष को पहचानना दोष को पहचानना मुश्किल होता है इसमें
दोस्त क्या है? दोस्त को आसानी से पहचाना जा सकता है, आसानी से पहचाना जा सकता है, जब उसकी भूमि की टच है तो उसी लोग फिट रहते हैं। दोनों ही यूज करते हैं, जहां पर भीड़ भाड़ होना चाहता है या अधिक संख्या में लोग बसते हैं वहां पर भूमिगत लाइट का काम लेते हैं और अन्यथा सिर्फ लाइट। ये शहरों में स्थिरता बढ़ती रहती है, कभी कभी इसमें लागे ले जाती है, उसमें कम आते हैं, इसमें वातावरण प्रवास में मुक्त रहती है जबकि वर्ण प्रवास में नहीं रहती है। इसमें दोस्त कम होते हैं, एक बार लाइन दोस्त पैदा हो गया तो उस दोस्त को पैदा क्या होता है मुश्किल होता है जबकि उसमें ऐसा नहीं है। तीन दोस्तों विद्युत वितरण लाइन होती है, मतलब उठाने का आधार दो प्रकार की होती है कि एक तो आप उसको भूमिगत कर सकते हो और एक आप उसको सिरोपे। अब भूमिगत करते हो ठीक है, भूमिगत मार्ग की जाएगी जहां पर जनसंख्या का जो बसाव है या जनसंख्या की जो बनावट है वो क्या है संघनन है, वो वहां पर जो जनसंख्या विरल है वहां पर कौन सी की जाएगी सिरोपे। आगे बात करता हूँ तो भूमिगत लाइन होती है उसकी लागत ज्यादा होती है, कॉस्टली ज्यादा पड़ती है और क्योंकि उसके ऊपर जमीन के अंदर दबाते हो उसको तो उसके ऊपर इंसुलेशन ज्यादा लगाना पड़ता है ठीक है दोस्तों। और जो सिरों पर लाइन होती है वो वातावरण प्रवास में रहती है मुक्त रहती है, उस पर जो वातावरण का जो प्रभाव होता है वो नगण्य पड़ता है, नगण्य बराबर पड़ता है। आगे बात करता हूँ ठीक है, तो भूमिगत ट्रांसमिशन लाइन होती है वहां पर दोस्त होते हैं कम, लेकिन दोस्त कम होते हैं इसके साथ साथ दोस्त होता है ट्रांसमिशन लाइन में तो वहां पर क्या होगा उसको पहचाना क्या होता है मुश्किल होता है। जबकि इसमें क्या होता है कि दोस्त ज्यादा होते हैं एक बार तो उसको ट्रांसमिशन लाइन में देखो सबसे पहले पढ़ते हैं खंभे मतलब पोल, क्योंकि दूसरे बात हम करते हैं ठीक है तो क्रॉस आर्म, तीसरी बात करते हैं इंसुलेटर, चौथे में बात करता हूं इंसुलेटर के बाद में तो चालक, चालक तार हो चुका है दो चालक अलग है चार अलग है। यदि पांचवी बात करता हूं यहां पर तो इसके रोड इसके बारे में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे गाड़ी, तो पांच प्रकार के पढ़ेंगे वो चालक तार तार इसके बाहर आएगा उसको पढ़ लेंगे, एक आएगा इसके इंसुलेटर को इसको पढ़ लेंगे ठीक है। पोल क्रॉस आर्म इंसुलेटर चालक तार तो ट्रांसमिशन लाइन हो गए तो उसके अंतर्गत ये आते हैं। सॉरी एक चीज भूल गया मैं कि मैं आवाज से पहले बता रहा था कि एक तो सिरोपर लाइन होती है एक होती है भूमिगत लाइन, अब जो क्या सिरोपर लाइन होती है दोबारा देख रहे हैं जो सिरोपर लाइन होती है वो भी दो प्रकार की होती है, टू टाइप होती है ठीक है, एक तो की क्षैतिज लाइन ठीक है दोस्तों, एक होती है ऊर्ध्वाधर, क्योंकि ठीक है तो आप यहां पर एक तार से सकते हो एक यहां पर, दूसरा क्या हो गया एक रोटर आपने यहां लगाया और एक तार आपने यहां लगा दिया एक आप यहां, जबकि ऊर्ध्वाधर में क्या होगा कि तार लग गया आपने जब प्रसार हो गया एक तार यहां पर लगा दूसरा तार यहां पर तीसरा तार यहां पर और चौथा, इस प्रकार की जो लाइन रहती है एक तरफ क्या लगते हैं ट्रांसमिट करते हैं तो ये उत्पादन प्रकार कौन सी क्षेत्र जो बेसिकली लेंथ
लेंथ होगी ज्यादा, तो ज्यादा कॉस्टली पड़ती है, और इसकी लेंथ होगी कम, इसकी लेंथ, इसकी लेंथ क्या है कम है, तो कम कॉस्टली पड़ती। या आगे बोलते हो कि जो सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन है उसमें कुछ मध्यम, तो निम्न मध्यम व उच्च व अति उच्च वोल्टेज के अनुसार जो ट्रांसमिशन कर सकते हैं, ट्रांसमिशन कर सकते हैं किसमें 37 किलो की लाइन में, यदि 37 किलो लाइन चाहिए तो निम्न मध्यम उच्च व अति उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन कर सकते हो, जैसे 150 वोल्टेज होगी, 400 वोल्टेज होगी, 11 किलो वोल्टेज होगी, 33000 वोल्टेज, ये कभी ये वोल्टेज नहीं हुई है, तो इनमें क्या इसको हाई वोल्टेज ट्रांसफर कर सकते हो, जबकि ऊर्ध्वाधर जो होगा केवल निम्न व मध्यम प्रकार की वोल्टेज का, प्रकार की वोल्टेज का ट्रांसमिशन कर सकते हो। ये दोस्तों इसमें कितना 250 वोल्टेज का ट्रांसफर कर सकते हो, किसमें ऊर्ध्वाधर में, ठीक है, और क्षेत्र में कितना एक मध्यम को जो है उस प्रकार के वोल्टेज ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर उसको ये किस रूप लाइन दो प्रकार के, इसके बाद हम पढ़ते हैं कि स्लोप जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट या कौन कौन से सामग्री काम लेंगे, वो फर्क होता है मेरे, पहले लेंगे पोल, दूसरे इंट्रोसान, तीसरे लेंगे इंसुलेट, ठीक है, चौथा लेंगे चालक तार, और पांचवा लेंगे गाड़ी। ठीक दोस्तों अब एक एक बारे में बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं पोल, किसके बारे में बोलते हैं पोल, ठीक दोस्तों, जो पोल आपने कभी मुस्लिम पढ़ा होगा, ठीक है, वहां पर इस पोल को बोलते हैं ध्रुव, क्या बोलते हैं कभी मुस्लिम पढ़ा होगा कि एक अल्टरनेटर है उसके क्षेत्र में दो पोल है, चार पोल है, दस पोल है, बीस पोल है, तो वहां पर क्या है पोल, वो ध्रुव है वहां पर, जब भी यहां पोल का मतलब हो गया खंभे, ये तो आप बोलते हो सपोर्टर बोल सकते, क्या बोल सकता हूँ सपोर्टर, कि सिरोपोल है तो सपोर्ट करेंगे, वो क्या होते पोल होते हैं, वो क्या होते हैं खंभे होते हैं, ठीक दोस्तों। अब देखो ये कितने प्रकार होते हैं, काम क्या करते हैं, कितनी गहराई में करना चाहिए, इनकी कार्यकारी वोल्टेज कितनी होनी चाहिए, इनकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, ठीक है, इनका व्यास कितना होना चाहिए, और कौन सा पोल कहाँ पर यूज लेना चाहिए, पोल पिच कितना होगा, पोल पिच कितना होगा, सब विशेष रूप से क्या करेंगे चर्चा करेंगे। मैं सबसे पहले बात करता हूँ यहाँ पर पोल, तो पोल क्या काम करेगा कि जो ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन को आधार प्रदान करेगा, आधार प्रदान करेगा कौन, पोल, ठीक दोस्तों। पोल कितने प्रकार के हैं, पोलों के प्रकार, ये कंबो के प्रकार, पहला मैं लिखता हूं लकड़ी का पोल, लकड़ी का पोल, दूसरा मैं लिखता हूं आरसीसी का पोल, आरसीसी पोल, तीसरा मैं लिखता हूं आई सेक्शन, आई सेक्शन, तीसरा मैं लिखता हूं चौथा पोल का प्रकार लिखता हूं ट्यूबुलर पोल, ट्यूबुलर पोल, पांचों में तो आज से क्या ऐसे समय ट्यूब लग गया टावर, चल गया हम टावर, ये कितने हो गए पांच प्रकार के पोल हो गए, पहले हो गया लेयर पोल, सीमेंट कंक्रीट पोल, आरसी पोल, रेल लाइन या आईसी पोल, तीसरा हो गया ट्यूबुलर पोल, ठीक है, और चौथा हो गया टावर, ये कितने हो गए पांच प्रकार के हो गए, जैसे तो मुख्य तीन चार प्रकार बांट दिया, क्योंकि जो आई सेक्शन और ट्यूबलर है उन दोनों को एक मिनट सकता हूँ, ट्यूबलर और आई सेक्शन को आप एक मिनट सकते हो, तो आप जो बोलोगे लकड़ी का पोल, आरसी पोल, इनको बोलते हैं स्टील पोल, क्या बोलोगे कि इनको स्टील के पोल, और चौथा कौन सा गया टावर, ठीक है, तो आज हम बोलते हैं पोलों के प्रकार कितने, तो ये पोलों के प्रकार है, लकड़ी का पोल होगा, सीमेंट कंक्रीट का पोल होगा, आई सेक्शन पोल होगा, ट्यूबलर पोल होगा, टावर पोल होगा। अब इनकी लंबाई क्या होगी वो पढ़ते हैं, ठीक है, अगर बात करते हो लकड़ी का पोल पे ले, किसकी बात करते हैं लकड़ी पोल को, देख लो पोल एक खंभे या सपोर्टर काम करेंगे कि जो ट्रांसमिशन लाइन
आई सी से हो सकता है, ट्यूबलर हो सकता है, वो टावर हो सकता है। ये दोस्तों अब हम बात करते हैं सबसे पहले लकड़ी की पोल। अब जो लकड़ी का पोल अभी वर्तमान समय में प्रचलित नहीं, पहले के जमाने में या आधुनिक समय से पहले इस जो लकड़ी के पोल थे उनका बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता था। अभी भी आजकल भी कई ऐसे प्रकार की जब लाइन खिंचानी होती है तो आप इसका प्रयोग करते हैं। पहले बात करते हैं वुडन या लकड़ी का पोल, लकड़ी का पोल या वस्तु वुडन पोल, ठीक है। तो वुडन पोल क्या होता है, इस प्रकार का पोल होता है, ठीक है, और यहां पर कोसा में लगते हैं, यहां पर इंसुलेटर लगते हैं, और यहां से क्या चल जाती है लाइन चल जाती है, और ये क्या करते हैं यहां पर अंडरग्राउंड कर देते हैं। जो ये पोल बनता है इस प्रकार का वो कौन सा होता है, लकड़ी का पोल, कौन सा होता है, लकड़ी का पोल, ठीक है दोस्तों। ये क्या बन गया, लकड़ी का पोल। अब मैं बात करता हूं उसकी लंबाई कितनी होगी और इसका व्यास कितना होगा। पहले मान लो उसकी लंबाई, लंबाई होगी 6 से 9 मीटर, कितनी होगी 6 से 9 मीटर। आगे मैं व्यास की बात करता हूं तो 15 से 20 सेमी, ठीक है, इसका व्यास होगा, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसकी बात करता हूं इसकी आयु, तो लगभग 10 से 20 वर्ष की होती है इसकी आयु, जो कि 10 से 20 वर्ष। इसकी जो लंबाई है यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर की भूमि के अंदर की दबाई की उस लंबाई को भी काउंट करना पड़ेगा, पर कितनी होगी 6 से 9 मीटर के आसपास। इसका जो व्यास होगा वो कितना होगा 15 से 20 सेमी, आयु होगी इसकी 10 से 20 वर्ष। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज ये बनता है कि कोई भी अगर पोल है उस पोल को भूमि के अंदर कितना दबाना चाहिए, भूमि के अंदर कितना दबाना चाहिए, तो सभी पोलों के लिए मूल लंबाई का मूल लंबाई का 1/6 बार, मूल लंबाई कितना 1/6 बार। मानो हमारे पास 60 का पोल है तो कितना दबाना चाहिए भूमि के अंदर 1/6, कितना हो गया 10, उसको भूमि के अंदर कम से कम 10 फुट दबाना चाहिए, 50 फुट क्या रहेगा वो ऊपर रहेगा। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे नोट बनाए तो कोई भी पोल है वो भूमि के अंदर कितना दबाव रहेगा, मूल लंबाई का 1/6, ये दोस्तों। उसके बाद में बात करता हूं लकड़ी पोल की, बात करें लंबाई कितनी 6 से 9 मीटर, व्यास कितना होगा 15 से 20 सेंटीमीटर, आयु कितनी होगी 10 से 20 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें जो लकड़ी का पोल होता है वो ज्यादा समय तक यूज नहीं करते थे, ज्यादा समय तक कार्यकाल आयु की वो कम होती है, उसी कारण है सबसे पहले कि जो यहां पर आप भूमि के अंदर इसको दबाते हो तो जो इसके दीमक है इसको क्या कहते हैं इसको दीमक, ठीक है। अब दीमक खा लेती है तो इंपॉर्टेंट रखना कि दीमक से बचने के लिए ऑयल लगता है और उस ऑयल का नाम है क्रियोजोट ऑयल, क्रियोजोट ऑयल देखना कितना होगा, क्रियोजोट ऑयल प्रकार का ऑयल होता है उसमें इसमें डालने में जो दीमक हो वो क्या लगती है कम लगती है। ये लकड़ी होती है वो सागवान की लकड़ी होती है, किसकी होती है लकड़ी, सागवान की लकड़ी, और इस सागवान की लकड़ी के ऊपर यहाँ पर कर देता है पेंट, क्या कर देता है पेंट। अब पेंट करने से क्या होगा कि जब भी बारिश का पानी आएगा इसके ऊपर, इस पर नमी आएगी तो बारिश का पानी इसके ऊपर के नीचे आ जाएंगे, नमी युक्त नहीं होगा तो सागवान की लकड़ी होगी, और इसमें क्या कर देता है पेंट कर देता है, इसमें कर देता है किसी कलर से कर देता है पेंट कर देता है, और यहाँ पर एक चट्टी लगाई जाती है कि ऊपर से पानी नहीं जाए इसके अंदर। जो ये चट्टी लगाई जाती है वो चट्टी लगाई जाती है पीतल की, पीतल की, और इंसुलेटर के ऊपर से क्या बुझा देते हैं तार बुझा देते हैं, ठीक है दोस्तों। ये इसके बारे में, इसके बाद में आप पढ़ते हैं पोल पिच, क्या पढ़ते हैं पोल पिच। अब यहाँ पर पोल पिच को नहीं, दो ध्रुव के बीच की दूरी नहीं, यहाँ पर पोल का मतलब क्या है खंबा, तो ये दो खंबों के बीच की दूरी कितनी होगी, अगर पढ़ेंगे पोल पिच का होता है कि दो पोल के बीच की दूरी कितनी होगी, तो यदि लकड़ी का पोल है तो वहां पर जो पोल पिच का मान होगा वो
40 से 50 मीटर, कितना होगा 40 से 50 मीटर। यदि पोल बीच की बात करता है तो दो पोल के बीच कितनी मीटर होगी, 40 से 50 मीटर। ठीक है दोस्तों, ये क्या होगा, पोल बीच होता है कि दो पोल है उसके बीच में कितनी दूरी आएगी, वो क्या होगी पोल बीच। अब आपसे पूछा जाए कि पोल स्पेन क्या होगा, पोल स्पेन वहां पर आप पढ़ते थे कॉइल स्पेन, यहां पर हो जाएगा पोल स्पेन, पोल स्पेन। तो पोल स्पेन इसको होता है कुल दूरी बटा पोल पिच प्लस एक। जैसे मान लिया कि आपके पास लकड़ी के पोल है और दो लकड़ी के पोलों के बीच की दूरी कितनी होगी, 50 मीटर। अर्थात पोल पिच का मान कितना आपके पास 50 मीटर, और आपको 1 किलोमीटर की लाइन बिछानी है तो वहां पर कितने पोल चाहिए, वहां पर क्या पता नहीं, आपको मान लो 200 मीटर लाइन चाहिए, कितने मीटर की 200 मीटर, तो वहां पर पोल कितने चाहिए, पोल कितने चाहिए, तो देखो पोल पर निकाल के तो कुल दूरी कितनी है 200 बटा पोल पर कितना है 50 प्लस 1, तो आप कर सकते हो 200 बटा 50 प्लस 1 निकाल लो कितना आ गया 4, कितने को लगे 5, जो 1 को आप यहां पर लगे 2 3 4, एक दो तीन चार पांच, दो पोल के बीच दूरी कितनी है 50 मीटर। जैसे हम यहां से लेकर यहां तक 50, 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 100 150 200, कितने आ गए 200, कितने पोल थे 5, 1 2 3 4, ये तो कम दूरी थी, मान कम दिया 200, देखो 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर 100 किलोमीटर आपको लाइन चाहिए कितने पोल चाहिए, तो आप इस तरह लगा सकते हैं पोल पिच क्या है 40 से 50 मीटर। पोल स्पेन क्या है कि कुल दूरी बटा पोल पिच प्लस 1, ये तो आपका लकड़ी का दूसरी एक चीज होती है, इसकी जो वर्किंग वोल्टेज है वो कितनी है 11 किलोवोल्ट, कितनी है 11000 वोल्ट, और इसका जो यूज करता है वो पर्वतीय क्षेत्रों के अंतर्गत या ऐसे प्रकार की ट्रांसमिशन लाइनों में इसका प्रयोग किया जाता है, इसका लकड़ी का। ठीक है दोस्तों, दोबारा देखो लकड़ी पोल की आकृति किस प्रकार की है, जो पोल होता है वो सारा बन गया क्यों है, और इस तरह क्या कर देता है पेंट कर देता है, क्या कर देता है पेंट कर देता है। इस पर एक चक्की होती है जो पित्तल के लगाई गई ऊपर, जिससे पानी इसके अंदर नहीं घुसे, जिससे अंदर एक नमी पकड़ती है तो विद्युत क्या बन जाएगी चालक नहीं करने पर बन जाएगी। कोई पोल होगा उसको भूमि के अंतर्गत कितना दबाया जाएगा, वो मूल लंबाई का 1/6, इसकी लंबाई कितनी होती है 600 किलोमीटर, व्यास कितना होता है 15 से 20 सेंटीमीटर, एज है 10 से 20 वर्ष, कार्यकारी वोल्टेज कितनी है 11000 वोल्ट। कहां पर इसका प्रयोग होता है, जहां पर एक्स टाइप प्रकार के ट्रांसफॉर्मर लाइन चाहिए या पर्वतीय क्षेत्रों के अंतर्गत इस प्रकार की ट्रांसफॉर्मर लाइन लकड़ी पोल का यूज करते हैं। पोल पिच क्या होता है, जो पोल पिच का मतलब क्या है कि दो पोल के बीच की दूरी, यदि लकड़ी का पोल है तो दो पोल के बीच की जो दूरी होगी वो 40 से 50 मीटर लगभग आएगी। ठीक है दोस्तों, पोल स्पेन कैसे निकालोगे कि कुल दूरी बटा पोल पिच प्लस 1। ठीक है दोस्तों, ये था आपका लकड़ी का पोल। इसके आगे हम पढ़ते हैं सीमेंट कंक्रीट खंभा या आरसीसी का खंभा। देखो आरसीसी खंभे में क्या होगा, दूसरा पढ़ते हैं आरसीसी पोल, सीमेंट कंक्रीट पोल। देखो इसमें क्या होगा कि सीमेंट और कंक्रीट से एक खंभा बनाया जाएगा और उस खंभे के अंदर इमारत बना कर इसको खोखला रख दिया जाता है यहां से, और इसके अंदर क्या डाल देते हैं सही डाल देते हैं, इसको मजबूती बना देते हैं। अब इस सही डाल देते हैं उसे खोखला डाल देते हैं, इसमें डालते हैं वायर, क्या डाल देता है वायर डाल देता है। इसमें क्या होगा कि जो कार्यकारी वोल्टेज लगी वो 11 किलो वोल्ट है, कितना वोल्टेज लगा 11 किलो वोल्ट लगी, और जो उसका पोल पिच होगा, पोल पिच होगा वो 60 से 100 मीटर के मध्य होगा, 60 से 100 मीटर के मध्य इसका होगा इसका पोल पिच होगा। और चीजें आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के अंतर्गत
का प्रयोग होता है या आवासीय या कॉमन क्षेत्र में होते हैं वहां पर ज्यादा प्रयोग होता है आरसीसी का, इसको होता है आरसीसी का। दूसरे प्रकार का पोर्ट आपके पास ट्यूबलर पोर्ट या सॉरी तीसरे प्रकार का है आई सेक्शन, आई सेक्शन पोर्ट। आई सेक्शन पोर्ट में क्या होगा कि ये रेल की पटरी जैसे बन जाता है, रेल की पटरी जैसे ठीक है। इसका अभी वर्तमान समय में ज्यादातर यातायात में स्टील टाइप का प्रयोग
है, और जो पोल पिच का मान है वो 50 से 80 मीटर होता है। उसके बाद होता है टावर, इसको पोल ही बोलते हैं, टावर बनाना पड़ेगा। ये एचटी पोल में सब जो कि एक्स्ट्रा है कैसे वोल्टेज के लिए, और इसका जो पोल होता है पोल पिच का मान होता है पीछे आप पोल पिच का मान 100 से 300 मीटर, और ये एंगल का बड़ा रहता है। इसका जो प्रयोग करता है वो कितना ट्रांसमिशन है, इसका प्रयोग कितना ट्रांसमिशन है, जहां पर पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, हम कहते हैं पर्वतीय क्षेत्र ये वो डिस्ट्रीब्यूशन है जो एक्सटर्नल प्रकार से आपको लेनी है, कम समय के लिए, अल्प समय के लिए, दीर्घकाल समय के लिए, या आपको सप्लाई लेनी है वो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन लेनी है, तो वहां पर इसका प्रयोग करते हैं वुडन पोल का या लकड़ी के पोल का। यदि इस तरह प्रकार की लेनी है आपको तो किसे करते हो आरसीसी का, जो ज्यादातर इसका ही प्रयोग करता है, और ये स्टील आइटम के अंदर और ट्रांसमिशन लाइन के अंदर रहता है टावर का, जो एंगल आने का। तो ये था हमारा पोल पर। इसके बाद हम बात करते हैं क्रॉस आर्म का, क्रॉस आर्म